घर में आप धन वृद्धि चाहते हैं तो आपको विष्णु प्रिय पौधा घर में लगाना है। कौन सा है वो पौधा और क्या होता है इससे लगाने से? स्वागत है आपका वैदिक टीवी में, मैं हूँ मेघा राधे राधे। वास्तु में कई ऐसे पौधों की जानकारी दी गई है जिन्हें अपने घर में लगाने से पॉजिटिव ऊर्जा घर में मिलती है। इन पौधों का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। अगर आप अपने घर में धन वृद्धि चाहते हैं तो आपको घर में अपराजिता का पौधा लगाना है। संस्कृत में इस पौधे को विष्णुप्रिया, विष्णुकांता, गिरिकर्णी, अश्वखुरा कहते हैं। ये पौधा दो रंग का होता है, पहला सफ़ेद, दूसरा नीला। अपराजिता एक बेल होती है, इसे धन बेल भी कहा जाता है। मान्यता है जैसे जैसे अपराजिता की बेल बढ़ती है वैसे वैसे धन, खुशहाली, संपत्ता बढ़ती है। तो आज आपको बताते हैं कि इन बेलों का फ़ायदा क्या है। सफ़ेद रंग का पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अपराजिता का पौधा घर में लगाने से व्यक्ति पर किसी प्रकार का संकट आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसे घर में लगाने से सुख शांति बनी रहती है और धन ध्यान की कोई कमी नहीं होती। नीली अपराजिता के फायदे। नीली अपराजिता को लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने बाग बगीचे में लगाते हैं। ये पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसके अलावा नीली अपराजिता लगाने से परिवार के लोगों की बुद्धि तेज होती है, साथ ही ऐसी मान्यता भी है इसका फूल भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए तो परिवार में कभी भी पराजित नहीं होते, यानी परिवार की कभी हार नहीं होती। साथ ही आप नीली अपराजिता के फूल को शनि देव को भी अर्पित कर सकते हैं। इससे शनि की साढ़े साती या फिर महादशा के कारण जो कष्ट मिल रहे हैं वो खत्म होते हैं। किस दिशा में आपको ये बेल लगानी है? वास्तु कहता है इस बेल को घर की उत्तर दिशा में लगाना फायदेमंद रहता है। ऐसा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं, घर में खुशहाली आती है। इस बेल को आप कभी भी पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में ना लगाएं। अगर आपको ये पौधा कहीं से मिलता है तो आप इसे अपने घर में जरूर लगाएं। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। राधे राधे।